ये कहानी है हरियाणा की रहने वाली खुशी राठी की। 24 साल की एक भोली भाली मासूम लड़की हर दुल्हन की तरह अपनी सुहाग रात पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो फिर अचानक वहां एक गैर मर्द कैसे पहुंच गया? ऐसा क्यों हुआ? और उसका पति सुरेश, जिसका वो इंतजार कर रही थी, वो अपनी सुहाग रात पर अपनी पत्नी को छोड़कर कहां चला गया? एक पति सुहाग रात पर अपनी पत्नी के साथ नहीं था। इस घटनाक्रम को समझने के लिए आइए चलते हैं 2 दिन पीछे, 8 सितंबर 2010। कितना वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तो मुझे कहाँ लग रहा है? लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तेरे पापा हमें यहाँ शहर में नहीं रहने देंगे, तो बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी है ना? हाँ, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, काम बना। हाँ। पर सुरेश, तू ज्यादा मत सोचना, चल चलते हैं। हम जा कहाँ रहे? धांगल चल रहे हम लोग। अच्छा, पापा आ गए। क्या हो राधिका, फोन करके ऑफिस के बीच से क्यों बुलाया मुझे? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? घर से 2 लाख रुपए और खुशी के कहने का है भाई। गायब है? घर के अंदर से पैसे और गहने कैसे गायब हो सकते हैं? खुशी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ खुशी कहाँ है? क्या ये? वो खुशी दीदी का लेटर। पापा, मैं सुरेश से प्यार करती हूँ और केवल उसी से शादी करूंगी, इसलिए अपनी मर्जी से मैं उसके साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आपकी खुशी। इस सुरेश के चक्कर में इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या जवाब दूंगा उसके मंगेतर को? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद कभी भी अब उसका नाम इस घर में मत लेना, मत लेना नाम उसका, मर चुकी हो अब हमारे लिए। खुशी को सुरेश का इरादा तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने उसे अपने ही घर से गहने और पैसे चुराने के लिए उकसाया था, लेकिन वो सुरेश के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आया। युवावस्था में प्यार का सम्मोहन और आकर्षण अक्सर ऐसी गलतियां करा बैठता है। खुशी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी ये नादानी उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। सर मंगल मंगले शिवे शर्वादि साधके शरण्यं तम्के महागौरी नारायणी नमस्तुते। अब यह विवाह संपन्न हुआ, सदा सौभाग्यवती। बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो सुरेश। थैंक यू। अच्छा सुनो, ये नागेंद्र है और ये रवि। भाई पार्टी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाने देंगे तुझे यहाँ। मिलेगी भाई, पार्टी मिलेगी। अरे अभी अभी तो ब्याह हुआ है इनका, जरा सांस तो ले लेने दो, पार्टी बाद में ले लेना। चल बेटा। आज के दिन तेरी आंखों में आंसू,
आज तो तुझे खुश होना चाहिए। नहीं, वो बस पापा मम्मी की याद आ गई थी। काश वो लोग भी यहाँ होते। वो यहाँ नहीं है तो तू वहाँ चली जाओ उनके पास, उनका आशीर्वाद लेने। और सुन, खुद को जरा भी अकेला मत समझना। ऐसे 5 मकान और चलते हैं मेरे किराए पे। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। वो जो गली में सबसे बड़ा वाला मकान देखा था ना, वो मेरा मकान है। कभी भी कोई भी परेशानी हो ना, सीधी चली आना मेरे पास। और अब रोना नहीं, क्योंकि रोने से मन हल्का जरूर होता है लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। ऐसे ही खुश रहना हमेशा। चलती हूँ। चल। पहली सुहागरात को तुझे 20,000 रुपए में खरीदा उस सुरेश से। क्या बक रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। बक नहीं रहा हूँ मैं। चलो, सुरेश, 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 सुरेश। क्या है? काहे को शोर मचा रही है? सुरेश, ये आदमी अंदर। हाँ हाँ पता है, मैंने भेजा था इसको। अरे 20,000 बड़ी रकम होती है और तू ये रो रही है? हाँ चल अंदर जा। गली में सबसे बड़ा वाला मकान देखा था ना, वो मेरा मकान है। कभी भी कोई भी परेशानी हो ना, सीधी चली आना मेरे पास। सुधा जी, दरवाजा खोलिए। सुधा जी, दरवाजा खोलिए। खुशी, सुधा जी मुझे बचा लीजिए। हुआ क्या? वो सुधा जी, हम लोग ने शादी कर ली और फिर। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे पूरी दुनिया में देख लिया तुझे। चल, नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या बात कर रही है? ये तो कह रहे तुम्हारा पति है। नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये झूठा है, इसने मुझे धोखा दिया। तू क्या बोल रही है तू? नहीं, ये मेरी बीवी है। अब ये कहीं नहीं जाएगी। ए, मेरी बीवी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। और तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? 5-5 मकान यूं ही नहीं देता हूँ किराए पे इस इलाके में। अभी तो मुझे ठीक से जानता नहीं है। अगर 5 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो पुलिस बुलवा कर सारी जिंदगी जेल में सड़वा दूंगा तुझे। ए नागेंद्र, तूने इसकी गारंटी ली थी ना, सबसे पहले तू अंदर जाएगा। सुरेश अभी चले यहाँ से यार, ये कुछ भी करने के बड़ा नहीं। चल, ये गारंटी बोल रहा है। मेरी बीवी है। चलिए, घबरा मत, चल आज अंदर। चलो अंदर। शादी ब्याह को ना धंधा बना के रख दिया इन लोगों ने। ठीक बेटा, उसकी ना यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी, तुझे कुछ नहीं होगा। ये कपड़े बदल ले, कल देखते हैं ना क्या करना है। जा। सुधा जी, मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे फोन करना है। तो कर लेना बेटा, लेकिन पहले जाके कपड़े तो बदल ले।
कितना बुरा जमाना आ गया है, लोग अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बहुत चिंता हो रही है मुझे तो उसकी। आ गए बेटा, जरा अपना मोबाइल देना जी। ले बेटा फोन कर ले। हेलो पापा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहां फोन करने की? और ये आंसू है ना, किसी और के सामने दिखाना। पापा। और सुन, जो तूने किया ना उसके बाद मर चुकी है तू हमारे लिए। जिसके साथ भागी थी उसी के पास रह। दोबारा गलती से भी फोन मत करना, यहां कोई नहीं रहता तुम्हारा, कोई नहीं। सारी गलती मेरी है, पापा के मना करने के बावजूद मैंने सुरेश से भागकर शादी की। मैं मर चुकी हूँ उनके लिए, मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं है बेटा, देख वो लोग अभी गुस्से में हैं, तो चिंता मत कर, कल सुबह मैं खुद उनसे बात करूंगी, जरूर मान जाएंगे वो। ये अपने पास रख ले, अब चल अंदर कमरे में जाके सो जा, बिल्कुल चिंता मत कर। क्या हुआ जी, किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। शादी के जोड़े में मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लग रही है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ये ले भाई, निकल। तुम लोग ना बस टाइम वेस्ट, चलना निकल। हमारा हिस्सा कुछ कमाई हुई? कौन सा हिस्सा? 2 लाख रुपए लेके आई थी, लेकिन 50 मकान और ब्याह में खर्च हो गए। 5 लाख की ज्वेलरी लेके आई थी, लेकिन पहन के उड़ गई। जोगिंदर के घर से खींच के निकालूंगा उसको। ऐसा सोचना ही मत, जोगिंदर बहुत पहुंच वाला आदमी, उल्टे फंस जाएंगे। अच्छा, उसको पटाने में जो 1 साल मेहनत की है उसे भूल जाऊं? उसको घर से पैसे लेके भागने को जो समझाया उसे ऐसे ही जाने दूं? कभी नहीं। चल तुम लोग मेरे साथ। सुनो तो, आओ फटाफट, मैं बोल रहा हूं तुझको, आना। हां भाई तुम भी। देखो तुम्हें इस तरह देख के अच्छा नहीं लगता, परिवार वालों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं देख लूंगा। खुशी, क्या हुआ खुशी? खुशी जोगिंदर जी, दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? बहाने से मुझे कमरे में बुला लिया और अंदर से दरवाजा बंद करके मुझसे लिपटने लगी। नहीं नहीं सुधा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे गहने और साड़ी हैं खुशी, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। लेकिन सुधा जी देखो, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा,
लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। सुधा जी इतनी रात को यहाँ से थोड़ी दूर पर बस स्टैंड है, नुक्कड़ से तुम्हें सवारी मिल जाएगी वहाँ के लिए। आ जाओ बैठो, 15,000 लगेंगे भाई। एक रात के 15,000? फिर देखना कम है कि ज्यादा है। जा इनको लेके जा। आ जा भाई। सुरेश, नागेंद्र, क्या है? देख भाग गई वो। भाग गई? घर से भाग तो गई, लेकिन सुरेश के हाथों धोखा खाने के बाद अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुरेश से बचने के लिए वो अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उन्हीं को धोखा देकर पैसे और गहने चुराकर तो वो सुरेश के साथ भागी थी। पुलिस की मदद नहीं ले सकती थी, क्योंकि सुरेश पहले ही पुलिस को खुशी की खबर दे चुका था। घर की चार दीवारी में एक सुरक्षित और इज्जत की जिंदगी जीने वाली खुशी अचानक सड़क पर आ गई, और वहां भी उसे किसी की मदद नहीं मिल रही थी। रवि उधर देख तू। सुरेश भाई, हाँ इधर आओ। तुझे मना किया था ना यहाँ फोन मत करना। मर चुकी है हमारे लिए। अरे चल ठीक है, हो गया। टेस्टी है ना? भैया एक तीखा वाला बना के देना। खा ले तीखा बेटा, खा ले। बाप के राज में जितना मन करे उतना खा ले। पता नहीं इसे ससुराल में मिलेगा अभी कि नहीं। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। सुनिए मुझे घर जाना है। 1.5 महीने तक खुशी सड़क पर फुटपाथ पर रही, जिंदा रहने के लिए रोज जिंदगी से जंग लड़ती, आते जाते अनजान लोगों से मदद मांगती। कोई उस पर दया करके भीख में कुछ पैसे दे जाता, कोई देखकर अनदेखा कर देता, और कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता। सुरेश नाम के एक दरिंदे से बच निकली खुशी तो आज हजारों ऐसे दरिंदों के बीच थी, अकेली और निहत थी। दुनिया का यह डरावना रूप देखकर खुशी अंदर ही अंदर बेहद सहम चुकी थी। Thank you.
को देकर भागने लगे थे तुम? हाँ क्यों? सादी पुलिस को देते हम डर गए थे। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? हरिया, बिमला और रामचरण। और ये लड़की कौन है? ये कौन है साहब जी, हमको कुछ नहीं मालूम। ठीक है तुम जाओ। अरे कौन है तू और कहां से आई है? अरे कुछ तो बोल, क्या मुंह में जुबान नहीं है? कुछ तो बोल। नहीं नहीं छूना नहीं मुझे। लेके आओ इसे। इंस्पेक्टर प्रजापति, नवाबगंज थाने से। खुशी, क्या हालत बना ली अपनी? कहाँ चले गई थी? कितना ढूंढा तुझे पता है हमने। मेरे साथ क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या ये क्या हुआ दीदी, बताना। अंदर आ जा, अंदर आ जा। किस्मत अच्छी थी कि कम से कम सही सलामत आपके सामने बैठी है। ये बेचारी पहले ही बहुत सारी मुसीबतें झेल चुकी है, अब आप लोग इसे माफ कर दो और वापस अपना लो। ये अपनी गलती समझ चुकी है। यहाँ के लोकल पुलिस थाने में जाकर इंस्पेक्टर तोमर से जरूर मिल लेना। ये केस मैंने उन्हीं को हैंडओवर किया है। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके चुप मत बैठना, और जिन चोरों ने इसकी ये हालत की है उनको पकड़वाने में पुलिस की मदद करना। ठीक है, मैं भी चलता हूं। इंस्पेक्टर प्रजापति ने मुझे आप लोगों के केस के बारे में बताया है, लेकिन आप ये सोचिए कि खुशी अब भी सही सलामत है और आपके साथ है, वरना कितनी लड़कियों का तो पता भी नहीं चलता कि वो हैं कहाँ। यही कि कुछ भी करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो खुशी, क्या तुम उसके ऊपर केस करना चाहती हो? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है, उसकी वजह से मेरे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है, अगर तुम उसके ऊपर केस करना चाहती हो तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम्हारे पास सुरेश की कोई फोटो है? हाँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। अरे राधिका, कहाँ चले गए तो तुम दोनों? अरे बोलो ना, कहाँ गए थे? ये यहाँ क्या कर रही है? कौन इसे यहाँ लेकर आया? राधिका, इससे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो, निकालो इसे बाहर। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए ना। अरे इसने जो किया उसके बाद सुनने को बाकी क्या रह गया? इसे वहीं भेजो जहाँ से ये भाग कर आई थी। ये इसका घर नहीं है, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है, समझा दो इसे। इंस्पेक्टर प्रजापति ने खबर भिजवाई है कि खुशी के केस के मामले में हम जिस सुरेश को ढूंढ रहे हैं वो रेवाड़ी में है। तो चलो रेवाड़ी। खुशी, खुशी, अरे तू वहां क्यों खड़ी है? चला के खाना खा। आप कहाँ जा रहे? खाना तो खा लीजिए। मर गई भूख।
पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, आप क्यों जा रहे, नहीं चली जाती हूँ, आखिर गलती भी तो मेरी ही थी। लेकिन तुझे सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकती ना। पर पापा मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अपने पापा को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप गलती कर रहे हो, ये लड़की झूठ बोल रही है। और तेरे घर से जो ये इसके गहने मिले हैं ये भी झूठे हैं। अरे तो मैंने कोई जबरदस्ती शादी नहीं की है, मैंने इसने आपस में अपनी अपनी मर्जी से शादी की है। अरे इससे पूछो ना आप। और ये क्या बताएगी, ये देखो फोटो में लाया हूं, ये है, ये मैं हूं। जिसके घर वाले हमारे खिलाफ थे, अब ये इनके साथ मिलके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अरे हम लोग रेवाड़ी गए थे घूमने के लिए और ये रातों रात वहां से निकल ली। अरे मैं इधर उधर कहां कहां मारा मारा नहीं घुमा हूं, रेवाड़ी थाने में भी गया और ये यहां बैठी हुई है। और अम्मा जी तसल्ली मिल गई आपको, कलेजे में ठंडक पहुंच गई आपके मुझे परेशान करते हुए। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, चल छोड़ दो मेरी बेटी का हाथ। देख रहे हो साहब जी, इसको कहते हैं जबरदस्ती। अरे तू चल मेरे साथ, तू मान मेरी बात। नहीं जाओगी, झूठ बोल रही है, झूठ आई है। अच्छा ठीक है, अब अदालत फैसला करेगी, तू मेरी बीवी है और तुझे लेके जाऊंगा मैं। वो जब होगा तब देखेंगे, अभी तू निकल यहां से, समझा। अरे लेकिन साहब जी, जितना कह रहा हूं उतना कर। और हाँ, भिवानी से बाहर जाने की गलती मत करना, अपने कंस्ट्रक्शन साइट का और अपने बिहार वाले घर का एड्रेस वाले खा दे और निकल। इंस्पेक्टर साहब आपने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसके पास सबूत है कि शादी मर्जी से हुई थी, हम कंप्लेन के बिना पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, हमें सुरेश के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। हाँ, मेरे और सुरेश के अलावा उसके दो दोस्त और वो आदमी, वो सब भी थे हमारे साथ उस रात को। वैसे हमें सुरेश के कंस्ट्रक्शन साइट का पता चल गया है और वहां से उसके दोस्तों का भी पता चल जाएगा। आप एक काम कीजिए, उनके हुलिये बताकर उनके स्केचेस बनवा लीजिए। हवलदार, स्केचेस बनवा लो उनके। पहचानते हैं आप इन्हें? तो कभी नहीं देखा साहब। अच्छा ये सुरेश किस टाइप का आदमी था, मतलब औरतों वगैरह के साथ? एकदम जुगाड़ू किस्म का आदमी था साहब, बाकी औरतों के बारे में तो पता नहीं। हाँ, दो साल पहले हमारे ऑफिस की एक लड़की मधु, उसी के साथ इसकी शादी हुई थी। बाद में दोनों में बहुत तमाशा हुआ और ना जाने क्या हुआ, अचानक लड़की ने काम पे आना छोड़ दिया। अच्छा ये लड़की मधु अभी कहाँ होगी? साहब कोई बता रहा था जेके कंस्ट्रक्शन में काम करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बुलाने पर थाने में आई। आप अपने और सुरेश की शादी के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगी हमें? सुरेश से शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, उसके लिए मैंने अपने घर वालों को भी मना लिया था। जो भी हुआ आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हैं। सिर्फ नाम के लिए शादी की थी, एक महीने में सारी असलियत सामने आ गई थी। घर में अजीब अजीब लोग आने लगे थे, पता नहीं किस किस को लेके आता था। और मेरे साथ आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? घर वालों ने मना कर दिया था, बात फैलेगी तो बदनामी होगी और वैसे भी गलती तो मेरी थी ना। अगर आपने रिपोर्ट कर दी होती तो आज एक और लड़की बर्बाद होने से बच जाती। खैर आप उसके माँ बाप से मिली थी? नहीं, यूपी में कहीं रहते हैं। लेकिन उसने तो हमें बिहार का एड्रेस लिखवाया है।
ठीक, आप जा सकती हैं। साहब, यहाँ जो बिहार का एड्रेस लिखा है वो भी गलत लिखा है। साहब, हमारे यहाँ तो उसने यही एड्रेस लिखवाया था। ये किसी को भी अपना असली पता क्यों नहीं बता रहा है? जरूर कोई बात है जो ये हमसे छुपा रहा है। रॉक, अगर तूने खुशी को छुआ भी ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। निकल, निकल। लेकिन साहब, मैं अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके जा सकता हूँ? पहले अपनी इस बीवी से तो मिल ले। हवलदार, क्यों, कुछ याद आया? शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसे कमाने के लिए तुम ये बात कर रहे हो? एक शादी गाँव, और पहले भी तूने यहाँ किसी से शादी की थी ना? तूने मेरी बेटी को धोखा दिया। रुक जाइए, काबू रखिए अपने ऊपर। अब ये कानूनन खुशी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। आप आराम से खुशी को लेकर घर जाइए, इसे तो हम देख लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। हवलदार, लेके जाओ इसे। अब ये सब मैंने ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया। मधु से शादी की, उसके गहने बेचे और उसे और पैसे बनाए। वो भाग गई, उसने इनकार कर दिया, और यही सब खुशी ने भी किया। इसीलिए उसे घर वापस लेकर जाना चाहता था मैं। और कौन था तेरे साथ इस कांड में? साहब, मेरे दोस्त रवि और नागेंद्र। कहाँ रहते हैं वो? भिवानी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। सुधा, बताओ ना इन लोगों को, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुधा, चल चल। खुशी की हिम्मत और उसके बयान की वजह से लगने लगा था कि आखिरकार शायद अपराधियों को उनके किए की सजा मिल ही जाएगी। खुशी ने तय कर लिया था कि अब वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, और परिणाम स्वरूप पुलिस ने रवि, नागेंद्र और जोगिंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत अदालत में मुकदमा चला और अपराधियों को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। आखिरकार खुशी के सब्र और सच की जीत हुई और उसे इंसाफ मिला। अगर आपको भी कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, पुलिस में रिपोर्ट जरूर फाइल करें। खुशी ने दूसरों की बातों में ना आकर खुद आगे बढ़कर केस फाइल किया, और उसके इस एक फैसले ने सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके साथ मधु जैसी और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। भगवान करे तुझे किसी की नजर नहीं। चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं। चलो चलो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जा बेटे, लेकिन हाँ, आज मुझसे एक वादा कर, आज के बाद तुम मुझसे कोई भी बात छुपाएगी नहीं। आजा। इस केस और खुशी की जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर किसी बाहर के व्यक्ति पर भरोसा करने का अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। प्यार की भावनाओं में इतना मत बह जाइए कि गलत और सही का फर्क ही ना समझ आए। किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले कम से कम उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में और उसकी पिछली जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से मालूमात कर लें। इस उम्र में खुशी की तरह कई नौजवान ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। पैदाइश से अपने साथ रहने वाले माँ बाप को छोड़कर साल दो साल पुराने रिश्ते पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं, उसे ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें,
और अगर बच्चों से गलती हो भी जाए तो पहले उन्हें सहारा दें, उसके बाद समझाएं। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों से हर विषय पर खुलकर बातचीत करें, ताकि बच्चे उनसे अपने मन की कोई भी बात कहने में हिचकिचाएं नहीं। इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख ले सकें, ताकि आपके और आपके परिजनों के साथ कोई हादसा ना हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।